राइट आज जमा गमित योदस ये प्रोटेस्ट करने खतर कि कूता जुल्म डोमेस्टिक वायलेंस इमन वनान छि कशिर पेट कि गरोली तनाव इस सानन माजन बेनन फेस पेमा करन पनन गारन मज अस्ति छि माज बेन वेल सान बेन ति छ वरियो गसन त अस्ति छि अना कोरन घर अस पै समझुन कि सान इम गारन मज वापर कोर छि इमा तिम छन असली कोर छ अस तिम इम अस छि दिमा कोर तिमन ति समझ का कोर यस अस कोर अनोन मेहरबानी करत पजन अस सिंस पन्न असलाफन कुन नजर करुन कि अस कित कने अस रेस्पेक्ट करा पन्न कोरन पन्न माजन त पन्न नोशन पन्न असलाफ छ अस सन शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह सन सूफी बुजुर्ग इम छ तिहिज मैसेज क्या छ बे कित कने हेचनो अस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मा हसना कि क्या पाइज एकिस औरत सित करुन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुत एकिस औरत इज्जत क्या तो ताम अस औरत सन इज्जत किहिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिम शख्सियत इम औरत दित इज्जत तमी अस पजन इम प्रोटेस्ट प्रोटेस्टन पर पे वर् कहें असन बाशूर कौम ये अक्स औरत करह इज्जत तमी सत गए खुदा त खोश खुदा सुन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर गरन मे अक्स सत गो ये आज तो यह गो हाईलाइट बिकॉज ऑफ मीडिया गो ये हाईलाइट वह तम तेसस यम नकान नबर नीर कहें तम गर मज दबेमित आवाज हेकान कत कहें तिज कस कर यम सत कर सारे बिकॉज ऑफ मीडिया तिज कस कर यम गरन मे बंद अस पज बाशूर कौम बन असल कौम बन कि अस वन पगह कि ना यह सू कौम हॉस्पिटैलिटी सत मशहूर यम सतर मशहूर अस पज पन कौम थोन साफ तो सुथर कौम कम कि दमागो रंग असल दमाग रित दमाग बस मे मैसेज है ये आज। आज का जो ये प्रोटेस्ट है जो मटन की डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम है उनकी सॉलिडरिटी में है, तो हमारे प्रोटेस्ट के आज दो मेन काज हैं, जो दो मेन डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये है कि जो विक्टिम है उसका केस और जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं ये सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें। हम अक्सर देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं ये केस तीन चार साल खिंच जाते हैं और विक्टिम की हरेसमेंट होती है और तीन चार साल जो केस चलते हैं उनकी फैमिली पे एक ट्रॉमा तो पहले ही होता है और फिर इन केसों की वजह से वो अलग एक ट्रॉमा में जाते हैं। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि इस विक्टिम की जितनी भी मेडिकल एड है, ये चाहे ये विक्टिम हो चाहे वैली का कोई भी विक्टिम हो, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है उसकी मेडिकल एड जो है लीगल एड जो है वो गवर्नमेंट फंड से दी जाए, वो गवर्नमेंट दे, ना कि उस विक्टिम की फैमिली को पे करनी पड़े। क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो पेरेंट है एक फैमिली है वो अपनी लड़की की शादी 15-20 लाख रुपए खर्च करके उसकी शादी करती है और फिर जब ये एक कुछ ऐसी ट्रेजरी हो जाती है तो उसके बाद उन्हें और खर्च करना पड़ता है उसकी मेडिकल एड पे, उसकी लीगल एड पे। तो हमारी दो ही डिमांड है कि जो एक कोर्ट है फास्ट, ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर इन केसों की सुनवाई जो है, फैसला जो है, अपीलें दलीलें सब हो जानी चाहिए और 4 महीने के अंदर ही एक फैसला मिल जाना चाहिए। ये नहीं कि आप जो कल्प्रेट उसको 4-4 साल 5-5 साल के लिए बाहर घूमने दीजिए, उनको जमानत मिल जाती है 3-3 महीने के बाद। तो जो भी है, अगर उसने किया है नहीं किया है जो भी है, कम से कम 4 महीने के अंदर ही आप एक केस जो है इसका फैसला दे दीजिए। दूसरी डिमांड ये है कि जितना भी इसका मेडिकल एड है, जो लीगल एड है, वो गवर्नमेंट अपने खर्चे से दे, सोशल वेलफेयर के जो फंड हैं जो टैक्स पेयर को हम देते हैं टैक्स पेयर, उन फंड से दी जाएं। आप फजूल के इवेंट्स करते हैं, फजूल की चीज़ें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये जो विक्टिम है ये यहाँ और वहाँ की ठोकरें खाते रहते हैं, फिर इनको वीडियोज़ देनी पड़ती हैं सोशल मीडिया की कि हमारी मदद कीजिए। आखिर क्यों टैक्स पेयर अपनी मनी देते हैं तो वो किस लिए, वो क्या फजूल के इवेंट्स के लिए है, वो इन लोगों के लिए नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे। तो यही हमारी डिमांड है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, सारे 4 महीने के अंदर जो है इसका फैसला आ जाए। वो दूसरी डिमांड हमारी ये है कि सारा एक्सपेंसेस जो है लीगल एड का और जितना भी इसका मेडिकल एड है वो गवर्नमेंट दे। थैंक यू। ये हुआ था, जलाया गया था इनको, तो उसमें केस की नवीयत क्या होगी वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन मैंने पहले दिन से ही बताया ये अवेयरनेस है कि मतलब ऐसे सोशल क्राइम्स नहीं होने चाहिए। अभी एक केस बहाना है, मतलब इन जनरल ये केस नहीं होने चाहिए, चाहे वो स्टेबिंग के हो, ड्रग एडिक्शन का हो, जो भी सोशल क्राइम्स है वो नहीं होने चाहिए। और ये इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, व्हाटसोएवर इन्वेस्टिगेशन वाज रिजल्ट्स वाज देयर,
बट ये है कि मतलब ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसको प्रोटेस्ट नहीं हम कर सकते कह सकते, ये अवेयर हम लोगों को कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये इसीलिए हम यहाँ जमा हुए हैं, ये हाईलाइट होना चाहिए क्या हुआ हम एज ए मुस्लिम, और ये पिरवर कहा जाता था कश्मीर को, तो ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए, पहले भी मैंने बताया आगे भी नहीं होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि पुलिस ही हमें डंडा लेकर सजा दे, कानून सजा दे, ऐसा मसला नहीं है। हमें भी थोड़ा चेंज होना चाहिए कि आइंदा जाके ऐसा ऐसे मसले ना हो। तभी मैंने अर्ज़ किया कि मतलब अगर ये केस की क्या नवियत होगी, दैट सेकेंडरी क्वेश्चन, बट हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि असल में हो क्या रहा है वैली में, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और परसों भी मैंने कहा था कि पुलिस भी एक सोसाइटी का एक हिस्सा है, वी रेस्पेक्ट देम एज वेल, मगर ये है कि अगर वो इस सोसाइटी का हिस्सा है तो उनको भी चाहिए कि मतलब ऐसे वाक़यात सोसाइटी में नहीं होने चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। उनको भी ये थोड़ा इसमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि मतलब ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, दैट्स वाई वी आर, हम इसीलिए यहाँ हैं कि अवेयरनेस है, ये किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट वोटेस्ट नहीं है, ये अवेयरनेस है। एक तो ये इसका है कि इसका क्या मसला है, कि इसका क्या मसला है, ये आप इन्वेस्टिगेट करिए। दूसरा है कि मतलब सोशल क्राइम्स पे पुलिस थोड़ा तवज्जो दे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तो पहले होता था पहले ज़माने में 1400 साल पहले, ये रिपीट होता है, ये हमें अपने आप में ही देखना चाहिए कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं। और नबी के सोसम के वक्त में ऐसा फिर ये चेंज हुआ वहाँ से, आज ऐसा होना इस मॉडर्न सोसाइटी में यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट से भरी हुई है, कॉलेजेस भरे हुए हैं, एजुकेशन हर जगह है, तो इस वक्त तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। एजुकेशन की बात आप छोड़िए, एज ए ह्यूमन अनपढ़ भी है, दिमाग है उसके पास, क्या कर चाहिए करना क्या नहीं चाहिए, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए अनपढ़, और उसमें ये डिफरेंस नहीं है, मतलब हम अशरफुल मखलूकात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और पुलिस को भी चाहिए कि पूरी तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, हम ये नहीं कह रहे कि फोर्स करें कि मतलब आप जो हम कह रहे हैं वही आप मानो, वो कम से कम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, बेसिक क्या बात है क्या बात हुई, दैट्स द पॉइंट। और ये आप इसको प्रोटेस्ट ना ले कि मतलब अवेयरनेस है, हर किसी स्टेबिंग भी हुई कुछ दिनों पहले, ये अवेयरनेस है, ऐसे क्राइम्स नहीं होने चाहिए, और पूरी तरह से इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो, बात क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, हम ऐसा नहीं कह सकते, पुलिस बेटर है इन्वेस्टिगेशन में, हमारी पुलिस अच्छी है, तो वो कम से कम इसका इन्वेस्टिगेशन करे। थैंक्स।